का टाइम है, खाने का वो थाली भर दी है। अच्छा हाँ, क्या बना रहे हैं? अच्छा, जो भराई कर रहे हैं वो आपकी कमाद कटी। जो हिंदू भाई खड़े हैं उनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे। तो राम राम भैया। राम राम। क्या नाम है भैया आपका? धनराज। धनराज, क्या काम करते हो आप? मजदूरी पे जाते हैं। मजदूरी पे जाते हो? हाँ। कितनी मजदूरी है? ये वहाँ पे जो साइड इलाकों में बहुत होता है, जहाँ पे उमरकोट साइड, मिठी साइड, नंगर पार्कर साइड, ये वहाँ पे बहुत बने होते हैं ये वाले। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं सब? बड़े होंगे दोस्तों, एक न्यू व्लॉग में वेलकम करते हैं दोस्तों। तो आज हम आए हैं एक गांव के अंदर, तकरीबन यहां से 10 किलोमीटर दूर है, तो वहां से चल के आए हैं। तो यहां पे अभी हम आपको दिखाएंगे तो उनके घर वगैरह दोस्तों, तो किस कंडीशन में उनके घर वगैरह बने। हमारे हिंदू भाई हैं तो उनके घर भी दिखाएंगे आपको, और वीडियो बहुत अच्छी होने वाली, वीडियो को एंड तक जुड़े रहना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो ये देखें, ये भाइयों के घर वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पे किस कंडीशन में रहते हैं यहाँ पे, उनके देखें हालात वगैरह दोस्तों। तो ये देखें, ये छोटा सा कमरा बना हुआ है, और ये देखें दोस्तों यहाँ पे, और ये किस कंडीशन में यहाँ पे रहते हैं। तो हमारे हिंदू भाई वहाँ से जो काफ़ी कमेंट वगैरह करते हैं कि वहाँ से हमें दिखाओ कि हमारे हिंदू भाई के हालात वगैरह और किस कंडीशन में वो रहते हैं, और उनसे क्या बातचीत भी करेंगे, उनसे पूछेंगे दोस्तों क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस यहाँ पे हमारे जो हिंदू भाई खड़े हैं उनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे। तो राम राम भैया। राम राम। क्या नाम है भैया आपका? धनराज। धनराज, क्या काम करते हो आप? मजदूरी पे जाते हैं। मजदूरी पे जाते हो? हाँ। कितनी मजदूरी मिल जाती है आपको? तकरीबन 600 रुपये। 600 रुपये? तो उसमें फिर घर का गुजारा हो जाता है? नहीं होता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे भाई दूसरे खड़े हैं। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम है आपका? उमेदा। उमेदा जी। उमेदा भाई, तो आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? ठीक है, तो आप मुझे ये पहले बताएं कि आप क्या काम क्या करते हो? काम ये बने के करते हैं भाई। खेती बाड़ी? हाँ, खेती बाड़ी। खेती बाड़ी में से फिर कितना मिल जाता है आपको, मतलब जो कुछ मिल जाता है कुछ मिले? अच्छा, उसमें गुजारा हो जाता है आपका? फिर गुजारा तो नहीं होता, फिर क्या करें, मजबूरी करते हैं। मजबूरी होती है, नहीं काम करना पड़ता है। हाँ, काम करना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई। तो ये है यहाँ पे भाई दूसरे खड़े हैं। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम है आपका? शंकर। शंकर। हाँ। क्या काम करते हो आप? काम बनी क्या करते हैं, मालविया गा कर। अच्छा, बनी का भी काम करते हो और घास वगैरह भी लेके आते हो मालूम के लिए? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये गाइस उनके घर वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं, ऐसे उनके घर भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे किस कंडीशन में उनके घर बने हुए हैं और उनके हालात वगैरह देखेंगे। तो दोस्तों बहुत ही मतलब जो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं गाइस यहाँ पे। तो गाइस ये भी एक झूंपड़ बोलते हैं, ये नंगर पार्कर में डस्ट वहाँ पे जो इलाकों में ये बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे ये बने होते हैं। तो ये यहाँ पे बच्ची खड़ी है, शू नाम है दारू भाई? ओके गाइस, तो ये उस इलाके में बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छे बनाते हैं, इसमें बारिश के लिए और टेंशन नहीं होती है, हर बात के लिए यहाँ पे सेफ रहते हैं। तो ये देखें दोस्तों, बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है। कितना टाइम हो गया होगा इसको बनाने? तकरीबन 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए इसको? अच्छा, इसमें बारिश वगैरह की नहीं आती है? अच्छा, इसमें बारिश वगैरह अंदर वगैरह नहीं आती है? हाँ, और कचरा ऊपर से डाल दिया है। हाँ बस। अच्छा, इसमें मतलब कोई बात नहीं, अभी ये जो खुले हुए हैं उसमें से पानी भी अंदर नहीं आता है? नहीं आता है। अच्छा, वो नीचे गिर जाता है? गिर जाता है। ठीक है गाइस, तो मैं आपको बाढ़ का भी नज़ारा दिखाऊंगा, पहले ये अंदर का थोड़ा सा आपको व्यू दिखा दूँ। तो ये एक्चुअली ये ज़्यादातर अच्छा ये नंगर पार्कर में बहुत बने होते हैं ना ये वाले, तो उस साइड में ये बहुत बने होते हैं। तो ये हमारे भाइयों के हैं घर वगैरह इन्हों के, जे ये देखें दोस्त पूरे, और यहाँ पे ये छोटी बच्ची अभी खेल रही है। और गाइस एक इस तरफ भी जो कमरा बनाया हुआ है वो बहुत ही खूबसूरत कमरा बनाया हुआ है, ये देखें भाई ने बनाया खुद ने, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो एक ओताक बोलते हैं दोस्तों, कितनी बड़ी बनाई है इन्होंने, ये देखें इन्होंने खुद बनाई है, ये देखें यहाँ से, ये रहने के लिए बेस्ट है। और ये इसमें है कि कोई बात नहीं होती है, टेंशन वाली बात नहीं होती है, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है ये वाला कमरा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये दोस्तों, ये वाला, ये देखें दोस्तों ये बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है यहाँ का, जो मुझे व्यू बहुत अच्छा लगा ये वाला कमरे का। और ये देखें जो पीछे से आपको दिखा दूँ, ये वाला वो है जो साइड में मैंने आपको दिखाया था ना अंदर से, अभी जो गाइस वो वाला दिखाया था। और ये अभी बोल रहा है ये ख़त्म, अभी इसको हम ख़त्म कर देंगे और फिर ये यहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे, जो बर्तन वगैरह खाना वगैरह का यहीं पर काम करेंगे बनाएंगे दोस्तों, ये देखें यहाँ पर। और ये गाइस ये बाहर का जो पूरा व्यू है यहाँ पर, ये देखें साइड में जो पूरा व्यू यहाँ से, ये हमारे जो ज़्यादातर हिंदू भाई ये बनाते हैं, इस वजह से बनाते हैं ताकि जो क्या है कि एक मतलब सेफ्टी के तौर पे ये बनाते हैं, जो ये हो गई जो इसको हम देवी बोलते हैं उसी से ये बनाते हैं यहाँ पे।
तो गाइस ये है झुंपड़ा जो बना हुआ है, ये वहाँ पे जो साइड इलाकों में बहुत होता है, जहाँ पे उमरकोट साइड, मिठी साइड, नंगर पार्कर साइड, ये वहाँ पे बहुत बने होते हैं ये वाले, ये उस साइड पे ये बहुत बने होते हैं वहाँ पे। ये देखें गाइस, गाइस ये अमेदे भाई से जो बात की थी कि ये इनका घर बना हुआ है, ये देखें किस कंडीशन में इनका घर वगैरह बना हुआ है। तो अमेदे भाई अपने घर अच्छा क्यों नहीं बनाया हुआ है? अच्छा, तो ये देखें ये भाई का घर बना हुआ है, ये है इस हालत में, ये देखें। तो यही भाई अभी बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो राम राम भैया। राम राम। क्या नाम है आपका? सवाई। सवाई भाई, क्या काम करते हो आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हो? हाँ। कितनी मजदूरी मिल जाती है आपको फिर? मजदूरी 500-600 मिल जाएंगे। उसमें फिर घर का गुजारा होता है नहीं होता है? किधर होता है यार। क्यों 500 में क्या होता है? महंगाई कैसी लगी पड़ी है? महंगाई बहुत है। हाँ ना। अच्छा, तो फिर अभी इस महंगाई के हिसाब से बात की जाए तो आटा कितने रुपए किलो चल रहा है अभी? आटा तो अभी 150 रुपया किलो चल रहा है। 150 रुपया किलो। और चीनी? चीनी कम से कम 150 तो चीनी भी है। 150 चीनी भी है। तो अभी अगर 2 किलो आटा लेने जाए, तो फिर भी कितने का? कितने का? 300 रुपए का। 300 रुपए का। और इसमें चीनी हो गया, ऑयल वगैरह, दूसरा चीजें भी लेनी पड़ती है ना इसमें। ठीक है गाइस, तो ये है हमारे यहाँ पे भाइयों के हालात जो वगैरह। तो उन्होंने कहना है कि अभी 500-600 रुपए जो दिहाड़ी होती है उसमें से अभी क्या गुजारा होगा दोस्तों। तो ये भाई का, अमेदा भाई का घर बना हुआ है, छोटा सा घर है लेकिन बहुत अच्छा घर बना हुआ है। ये देखें अमेदे भाई का ये घर बना हुआ है। तो अभी अमिता भाई चाय बना रहा है, तो हम बैठे हैं अभी। मैंने कहा ये देखें अमिता भाई किस खुशी में चाय बना रहे हो अभी? अभी तो खाने का टाइम है। खाने का वो ताली भर दी है ना। अच्छा, हाँ बना रहे। अच्छा, जो भराई कर रहे हैं वो आपकी कमाद कटी हुई इस वजह से? हाँ, तो उसको फिर आप चाय आप पिलाओगे? हाँ। ओहो हो, अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी चाय बना लो फिर हम भी पी के जाएंगे। यार चलो ठीक है यार, एक बात है, जैसे भी हो लेकिन पुअर फैमिली भी बिलोंग करते फिर भी खुश हो ऐसे? अच्छा अच्छा, तो आपके इंडिया में कोई माइट वगैरह नहीं रहते हैं? कौन है? अच्छा वहाँ पे गए हुए हैं इंडिया में, माइट वगैरह हैं? तो अगर वहाँ पे आप जाना चाहो तो जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। ठीक है ठीक है, तो भाई अभी चाय में लगे हुए हैं, भले चाय बनाएं और हम भी चाय पी के फिर जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए चूल्हा बनाया हुआ है और अमित भाई खुद बना रहा है अभी। तो इसके घर वाली वो अभी बेचारी घास वगैरह करने गई है, तो ये खुद बना रहा है अभी चाय और ये लेके जाएगा ऐसे ना। हाँ, तकरीबन कितने बंदे होंगे? कितने वहाँ पे? 15 बंदे हैं। 15 बंदे हैं। 14-15 बंदों के आप चाय बनाओगे? तो फिर ये चीनी तो आपकी तकरीबन 1 किलो तो खत्म हो गई होगी। 1 किलो तो। अच्छा चलो ठीक है ठीक है। ओके गाइस, तो अभी हमने जो भाइयों से बातचीत की थी हमें बहुत अच्छा लगा मिलके उनसे, और हाल वाला भी पूछा तो उनके भी उन्होंने बिल्कुल बताए, और उन्होंने एक बात भी बताई थी कि अभी 500 रुपये जो दिहाड़ी में उनका वो घर का गुजर सफ़र तो नहीं होता है, तो वो इस वजह से क्योंकि अभी महंगाई के हिसाब से बात की जाए। तो अभी अमिता भाई चाय भी लेके आ गया है दोस्तों, ये देखें। तो अमित भाई के अभी ये चाय भी आ गई और हम चाय भी पियेंगे इधर दोस्तों, लेकिन उनसे बातचीत भी की और अमित भाई का जो घर भी दिखाया उनका, तो वो हैं हालत यहाँ के जो रहते हैं बेचारे उनके। ठीक है दोस्तों, तो जो हो सके ऐसी फैमिली को आप सपोर्ट करें जो बिल्कुल पुअर हैं दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, और आप थोड़ी सी अगर सपोर्ट करना चाहें तो बिल्कुल इनकी सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। जय श्री राम।